हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए इसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट छठवां चैप्टर था गैसों के गुण। अब इसमें बात करने वाले हैं रासायनिक बंधन के बारे में। याद रखिए जितने भी लेक्चर बायोलॉजी इससे केमिस्ट्री से बने हुए हैं वो भी आपको जनरल साइंस की नाम की प्ले लिस्ट सूची में मिल जाएंगे। और जो हम लोगों ने बायोलॉजी ख़त्म की है वो भी सभी चैप्टर उसके लेक्चर इसी में जनरल साइंस के नाम से जो लिस्ट बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक बंधन। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतरणिक बल कमज़ोर होता है। सोडियम क्लो राइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजक बंध। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति कैसी आबंध है? चतुष्फलकीय। ठीक, एच एफ में कौन सा आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन आबंध। CO2 की आणविक संरचना किस प्रकार की होती है? रैखिक रैखिक। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। ऋणायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धनायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक। एक आयनिक बंधन कब बनता है? जब धातु तत्व का संयोजन अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध किन के मध्य बनता है? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। CaCl2 NaBr अणुओं में कैसा बंधन पाया जाता है? विद्युत संयोजक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्युत संयोजक यौगिक। ये नाम हो गए इनके, ये रासायनिक सूत्र हैं, ये उनकी उपस्थिति आयन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl इसका सूत्र है, Na+ आयन और Cl रेड आयन। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बोला जाता है, NaOH इसमें Na+ आयन OH रेड आयन। ठीक है, ऋणात्मक। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है इसका रासायनिक सूत्र, इसमें Al3+ आयन है और O2 रेड आयन है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl, इसमें NH+ आयन है Cl- आयन ऋणात्मक। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है इसका रासायनिक सूत्र, Mg2 इसका धनायन है और Cl रेड आयन। पोटेशियम क्लोराइड KCl है इसका रासायनिक सूत्र, K+ आयन Cl रेड आयन। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaCl2 Ca2+ इसका धनात्मक आयन है और Cl ऋणात्मक। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3O2 इसका धनायन है और NO रेड आयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4Cu2+ आयन है और SO4 रेड आयन। ठीक, आगे बात करते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति किससे समानता प्रदर्शित करती है? अक्रिय गैसों से। जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है।
इसमें क्या उपस्थित होता है? मुक्त आयन CHCl2। किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सहसंयोजक यौगिक। ये नाम हो गए, ये रासायनिक सूत्र हैं। उपस्थित तत्व मेथेन रासायनिक सूत्र है CH4। इसमें उपस्थित तत्व हैं सी कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी एथेन C2H6 रासायनिक सूत्र है, और इसके उपस्थित तत्व कार्बन और हाइड्रोजन, एथिलीन C2H4 कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, एल्कोहल एथिनॉल C2H5OH, अमोनिया NH3, एसिटिलीन C2H2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ग्लूकोज C6H12O6, शर्करा C12H22 और O11। ठीक है, याद रखिए। हाइड्रोजन की आणविक संरचना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है, अतः है इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन कार्बन H2 बनाते हैं। ठीक, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की आणविक संरचना। ऑक्सीजन के परमाणु एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इससे 2 परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनना कहते हैं। ठीक, याद रखिए। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आणविक संरचना। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रि आबंध का बनना कहा जाता है। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रि आबंध को निम्न चित्र के अनुसार दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं, तो उनमें उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है? अध्रुवीय सहसंयोजक। मैथेन अणु में कौन सा बंधन बनता है? एकल सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से पार्श्व अतिव्यापन करते हैं, तो बनने वाले बंध क्या कहलाते हैं? पाई बंध। जब किसी ऊर्जा वाले ऑर्बिट परस्पर ऊर्जा को पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो यह क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। ठीक, मैथेन की आणविक संरचना की बात करें, मैथेन की आणविक संरचना, मैथेन एक कार्बनिक यौगिक है। ईंधन के रूप में मैथेन का आधिकारिक उपयोग होता है, तथा यह वायु गैस एवं संपीड़न प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मैथेन का सूत्र CH4 है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, कार्बन चतुर संयोजकता है, क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को
प्राप्त करने के लिए कार्बन इस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के चार परमाणुओं के साथ करता है, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे बात करते हैं, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय छिपकली दीवार से कौन से बल द्वारा चिपकती है? वांडरवाल्स आकर्षण बल। वांडरवाल्स आकर्षण बल क्या है? ये सामान्य रासायनिक बंधों की तुलना में दुर्बल बंध होते हैं तथा अणुओं के मध्य बनते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, दो द्वि ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, एक ध्रुव द्वि ध्रुव एक प्रेरित ध्रुव द्वि ध्रुव के मध्य लगने वाला बल डिवाई बल, दो प्रेरित द्वि ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, छिपकली हुई दीवार से दीवार पंजों के मध्य लगने वाले वांडरवाल्स आकर्षण बल के द्वारा ही चिपकी रहती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं विद्युत संयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में। ठीक है, ये यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। ये यौगिक सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी से बनते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। ठीक है, विद्युत संयोजक यौगिक परमाणु आयन के रूप में रहते हैं, अतः ये विद्युत चालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक ये यौगिक अणु के रूप में रहते हैं और विद्युत चालक नहीं होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक ये यौगिक भी अणु के रूप में रहते हैं और विद्युत चालक नहीं होते हैं। इनमें ध्रुवीय बंध होते हैं। इनमें बंध प्रायः आध्रुवीय होता है, इसमें आध्रुवीय बंध होता है। ये यौगिक जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो यौगिक जल में अविलेय परंतु कार्बन में विलायकों में मिलेय होते हैं, और उप सहसंयोजक ये यौगिक जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। विद्युत सहसंयोजक यौगिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये शीघ्र वाष्पित नहीं होते। सहसंयोजक यौगिक इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि ये वाष्पशील होते हैं। इनके एमपी बीपी विद्युत सहसंयोजक यौगिक से कम तथा सहसंयोजी यौगिक से अधिक होते हैं। आगे बात करते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या क्या है? याद रखिए 6। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? अष्टक। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अक्रिय गैस विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन। तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। वह विलायक जिनका पराविद्युत स्थिरांक उच्च होता है क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय विलायक। दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के सांझे से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। एक ही परमाणु द्वारा विद्युत इलेक्ट्रॉन युग्म के सांझे से बने बंध को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध। रासायनिक बंध बनने के पश्चात दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बंधन लंबाई। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो कौन सा बंध बनता है? अल्फा बंध। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौसेल तथा लुईस ने। अणुओं में परमाणुओं के आकर्षण को क्या कहते हैं? सम रासायनिक बंध। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में किस प्रकार का बंध बनता है? ऑफ संयोजक। कौन से यौगिक जल में विलेय होते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक। विद्युत संयोजी यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल के कारण इन्हें तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल किसकी सहायता द्वारा नापते हैं? पोटेंशियोमीटर। बात अगला है, विद्युत धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर किस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड कणों को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। आगे स्टार्च साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों में किसका इस्तेमाल होता है? जिंक कार्बन का। ठीक है, आगे देखते हैं, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लोरेसेंट ट्यूब में किसका मिश्रण होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन का। तो चलिए, ये था हमारा सातवां चैप्टर, रासायनिक बंधन। बात करेंगे आगे ऑक्सीकरण व अवकरण। ठीक है, आठवां चैप्टर।